अब हम लोग लेने जाने लगे हैं डेक, जो कि ये लोग देते हैं रेंट पे। रेंट पे क्यों देते हैं जी? कुछ लोग अपने घरों से भी ले आते होंगे जिनके पास स्पीकर वगैरह होते हैं। जाहिर है जब तक म्यूजिक श्यूजिक ना चले पूल पार्टी का मज़ा नहीं आता। हम लोग अपने साथ मैंगो शेंगो भी लाए। आपको पता पूल पार्टी और उसमें मैंगो ना हो मज़ा नहीं आता। हमने खुद रात का रखा है। रात में रखने की रीज़न ये थी कि बहुत गर्मी है, दिन में धूप वगैरह ये वो, तो रात का ठीक है। भले अंधेरा है, अब पता नहीं मैं आप लोगों को नज़र आ रही हूँ सही क्या नहीं आ रही, नहीं भी आ रही तो चलेगा। चलो जी चलते हैं, जाके डैग लेते हैं, उनसे पूछते हैं जी डैग कितने का दे रहे हैं हम लोगों को, कितने का दे रहे हैं बताया है? जी 10 घंटों का है 1500 रुपये भाई। उसका हम लोग उनको रेंट पे करेंगे, कोई बात नहीं, चलता है। गुनाह मिलेगा उनको और गुनाह मिलेगा हमें भी, गाना सुनना भी गुनाह है और जो चलवा रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा जी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी लड़ाइयाँ। और ये लोग बड़े चित्ते लोग हैं, ये देखो ये सारे खेलते कम हैं, स्पेशली ये बंदा। मैं इस बंदे पे फोकस करती हूँ आपको, ये बंदा ये खेलता कम है लड़ता ज़्यादा है। और बाकी दो बंदे ये खड़े हुए, मारो मारो कोई छक्का चौका, ये लो ये करतब चेक करें, ये देखो ओए ये हो रहा है, सबको छेड़ रहा है, ये देखो अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाका है, ये हुरैन है, देखो ये लड़ लड़ के भाग रहे हैं, इन्होंने सर खा लिया है, वो देखो लड़ लड़ उसे उसको पकड़ लिया है। और ये भी बोल रहे हैं, वो देखो सामने अटैक का इंतजाम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट पाट और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो आप ये वहीं से ही नेक्स्ट पार्ट जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने गेटअप जो है अपना चेंज कर लिया है, क्योंकि अब मैं जाने लगी हूँ नहाने के लिए। पूल में चलते हैं, नहाते हैं, और फिर आज का जो मतलब अब नाइट ही हम यहाँ रहेंगे, सुबह चले जाएंगे, जो रात में हम खाएंगे पियेंगे, जो जो मज़ा पार्टी वार्टी करेंगे आप लोग साथ में शेयर करूँगी। और आगे जो हम जाते तक का फुल ब्लॉग आप लोग साथ शेयर करूँगी। सॉन्ग जो है वो देखें स्टार्ट हो चुके हैं, कॉपी राइट का इशू है इसलिए चलते चलते हैं। और ये देखें ये स्लाइड है, यहाँ से भी पानी आ रहा है मर मर के। और इस बेचारी का एक से तो पानी सही आ रहा है, एक मछली का मुँह ही ख़राब है, उसमें से पानी नहीं आ रहा। और ये बच्चों के लिए बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा मेरे जैसे बच्चों के लिए बनाया हुआ है क्योंकि मुझे डर लगता है पानी से। और ये बाकी लोगों के लिए है। और वो देखें कौन से देखें, कुछ लोग जो बैठ भी चुके हैं पुल में, वो डैग ऊपर लेके आ रहे हैं। डैग ऊपर क्यों लेके आ रहे हो, वहाँ रखोगे? गाने अच्छे लगने चाहिए डीजे साहब। ये भी आपको मैं पानी में फेंकता हूँ। नहीं ये वाला मजाक नहीं करना, बचाओ। नहीं यार मुझे डर लगता है। ट्रेल को देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ला ला ला, ये पानी की मछली है वैसे भी, शौकीन है। उधर गहरा है, उधर बहुत गहरा है वो देखो। सेल के काम देखो इनका तो शौक, मतलब हम स्लाइड से नहीं आ सकते, मैं तो डूब जाऊंगी इसमें। सेल वगैरह ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और अब यहाँ से नीचे उतरेंगे, देखें जरा भी आएंगे और देखो। अरे देखो चलो अब मैं उतरने लगी हूँ, आराम से आराम आराम से आराम आराम से। नहीं जाते यार, किधर जाओगे? स्कूल में ऐसा पकड़ने वाले आज। देखें नाजरीन, अब नहाने के बाद हम ले आए हैं मैंगो, क्योंकि आपको पता है पूल पार्टी और उसमें मैंगो ना हो तो ये हो नहीं सकता। ये नहा रही हैं मलका ए तरन्नुम पानी के अंदर। मलका ए तरन्नुम को देते हैं, पेश करते हैं। शाहजहां ने पेश किया था महल, हम पेश करते हैं आमों का तोहफा। और वो देखे पानी में हमने एक बन माना छोड़ा हुआ है, इनके काम देखे ये डांस करने में लगे हुए दोनों। अभी आप तो स्कार्फ निकाले हैं, हमने झुटका लगा के नीचे डुबकी लगाई। ब्लॉग में ना डालियो, ब्लॉग ही बन रहा है। मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करो। अब ये सब लोग जो है वो गेम खेलने में मस्त हैं। ये कौन सा गेम है? कैरम। ये क्या चार लोग खेलते हैं? फोर कलर खेल सकते हैं? नहीं दो भी खेल सकते हैं, दो भी खेल सकते हैं। चलो खेलो, मज़े करो मज़े।
है। अब हम लोग जो है अच्छे से नहा लिए हैं पहले पूल में, उसके बाद शावर लिया, फ्रेश हुए, नहा धो लिया, भी ये देखें न्यू ड्रेस व्रेस पहन लिया है। अब जो है बारबेक्यू करेंगे, ये सब लोग खेल रहे हैं, कोई मैच खेलेगा, कोई कुछ खेल रहा है, और रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। अब अभी हम क्योंकि पूरी रात ही जागेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। हम लोग बच्चों को सुबह जाते वक्त उठाएँगे, और ये पीछे मंकी बोल रहे हैं, ये अब कोयले जला रहे हैं जी बारबेक्यू के लिए। उसको डालो आग, पेट्रोल डाल, बुझ रही है आग, लगाने के लिए एक औरत ही काफी है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही राय है। हाँ अल्लाह माफ करे, आपकी क्या राय है भाई? बिल्कुल सही बात है। जैनी तेरी क्या राय है? तेरे पिताजी ने सोच के जवाब दी, बिल्कुल सही राय है। सही राय है यार, इधर आओ बीवियों। ओ, मैंने पूछा आग लगाने के लिए एक औरत काफी, सारे कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, देखो जरा। आओ सादा आग लगा दे, नहीं जो इससे भी लगा बचिया ही आग लग गई। वाह, सुनने में कहने हम लोग घर से मसाला लगा के आए थे, अब ये भाभी इसको सीखों में परोएंगी। ऐसे ऐसे ये देखो ऐसे किया ऐसे, ये बाप बेटा डांस कर रहे हैं। मैं और अनमीत झूले लेने के लिए आ गए हैं। ये मुझे गोल गोल झूला दे रहा है, गोल गोल चक्कर, ये देखो ये रहा। मजा आ रहा है मेरा आपको? बहुत मजा आ रहा है। और ये हमारे टिक्के रेडी हो गए, बहुत यम्मी बने, भाभी ने बनाए, बहुत मजेदार हैं। और ये है, और ये रही हमारी रोटियां, किसी ने खाना है तो आज रात के 3 बजे, और टिक्के स्टिल बन रहे हैं और हम खाए जा रहे हैं। हाथी खेल भी रहा है, छोटा सा बेबी एलिफेंट है। अब जैन हमें झूला दे रहा है, ये झूले वाला भाई है, झूले दो। 10 रुपए, 10 रुपए, इतना सस्ता, 10 रुपए, मजा रहा है। बुरहन बैठी है झूले में, ये बच्चे दोनों सो के उठ गए एक घंटे बाद ही। आपको पता आज हम बाहर आए हैं, आप क्यों उठ गई हो? आप क्यों उठ के आ गई हो? मैं क्या खेलूंगी? मम्मी, आज हम लोगों की बन रही है कोयला वाली चाय। अच्छा, ये बहुत मजेदार बनती है, इसमें से कोयले की स्मेल आती है। इधर शेफ, शेफ को तो याद करो। अच्छा दिखाते हैं शेफ, ये शेफ ने बनाई है जी। अच्छा, इंपोर्टेड शेफ, किधर से मंगवाया है? ये आया है तुर्कमानिस्तान के जंगलों से। अच्छा, वहाँ कोयले जलाते थे ना हम पहले। पीते हैं चाय और बताती हूँ कैसी, किसने बनाई है? भाभी ने। चलो ठीक है, जिसने भी बनाई है मजे की बनी होगी। 2 मंकीज ऊपर चढ़े हुए, ये एक जैन मंकी, ये देख अद्यादाप, ये जैन बंदर भी ऊपर चढ़ रहा है। वो देख, इधर देख, ऊपर ही बोल रही है। ओ आउट है वो, देखो ये भी कितने क्यूट लग रहे हैं, सो गए हैं दोनों के दोनों, रात हो गई, इनको भी पता है कि सोना है। हल्के हल्के से बादल आए हुए, क्योंकि वैसे आज की जो है ना पेशन गोई थी कि बारिश होने की, मे भी आज बारिश भी हो जाए। अब ये लोग खेल रही हैं जो लूडो है, लूडो बिल्कुल नहीं खेल रही फिलहाल, तो मैंने तैयार कर दिया है। ये अभी भी खेल रहे हैं, सुबह हो गई, सलाम करो। अभी यहाँ लोग आए, लोग भी आए हुए हैं, अभी सारे लोग आए हैं। मजा आ रहा है आपको? भाभी भी आ गई हैं। चलो अब हम घर चलने लगे, इसलिए हम लोग तैयार हो गए हैं। चलो जी, वो देखो, सलाम करो। उड़ी हो घर जाने लग गया। बुरहान को भी मैंने तैयार कर दिया, फ्रेश कर दिया बच्चों को, बच्चे सोए तो सिर्फ 2 घंटा थे और सब मस्तियों में लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ आए हुए थे, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, हम सब फैमिली ने इंजॉय किया, खाया पिया, और ये यहाँ पर फार्म हाउस का नाम है, बहुत अच्छा है,
और एक्सपेंसिव तो है लेकिन मज़ेदार है। यहाँ पर आप अपने लिए सामान लाजमी लाएँ, अपने साथ बारबेक्यू का सामान लाएँ, खाने पीने का सामान लाएँ और नहाने धोने के लिए चीज़ें वीज़ें लाएँ सब कुछ और इन्जॉय करें और अपने घर चले जाएँ। हमने नाइट का क्या था, मतलब एक रात हमने सिर्फ स्टे किया, 10 घंटे के लिए लिया था और 10 घंटे का इन्होंने कितना लिया, 35 के लिए। मैं आपको प्राइस भी बता दूँ ताकि किसी ने आना हो तो आ सकते हैं। और ये हाईवे रोड पे है, कराची में है और बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस है, इससे ज़्यादा महंगे वाले भी हैं वैसे। और यहाँ पर बंदर भी थे, सारी रात मैंने बंदरों को तमाशे देखे हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आदमी करेगा।